नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम बनाने वाले झटकी पट कम सामग्री से आलू की कटलेट। जैसे हम शादी में जाते हैं तो वहाँ पे कैसी बनती है, हलवाई लोग तो बहुत ही इजी बना लेते हैं और एकदम टेस्टी होता है, तो वैसे ही आज में रिजल्ट होगी, वो भी घर पे घर की सामग्री से। तो आप देख सकते हो ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेसिपी हमारी आखिरी तक देखनी है और कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना है। चैनल पे नए होगे तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो फिर बातें कम करते हैं, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने चार आलू लेने उबले हुए। हाँ दोस्तों, आलू को पहले उबाल के ठंडा होने के बाद छील के निकाल लेना है, बाद में इसे में मैश करना है। ये प्रोसेस मैंने पहले ही कर ली थी। गरम गरम करने से क्या होता है, आलू में पानी होता है। अभी आलू को अच्छी तरह से हाथों से ही मैश कर लेते हैं। अभी यहाँ पर आलू को अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया, आप देख सकते हो इस तरीके से, थोड़ा भी हमें आलू की गुठली नहीं चाहिए, इस तरीके से हाथों से मैश कर लेना है। अभी यहाँ पर डालेंगे बाकी के मसाले। तो यहाँ पर हम लेंगे एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। चटपटा स्वाद आने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच काश्मीरी मिर्ची पाउडर, पाव चम्मच गरम मसाला। यहाँ पे हमने दो या तीन काली मिर्च ली थी, यानी कि ब्लैक पेपर, इसे हमने कूट लिया हुआ है। एक चम्मच धना जीरा पाउडर, पाव चम्मच हल्दी, आधी चम्मच अजवाइन। अब जाएगा स्वादुसार नमक, अब जाएगा ढेर सारा धनिया। अब यहाँ पे चार चम्मच हमें अरारोट का आटा डाल देना है। छोटा वाला चम्मच यूज करना है दोस्तों, बड़ा वाला नहीं। हमारी रेसिपी आपको ये कैसी लगती तो कमेंट करके जरूर बताना है। तो यहाँ पे हमने चार चम्मच डालना है अरारोट। यदि आपके यहाँ से अरारोट आटा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप इसके वजह चावल का आटा भी यूज कर सकते हो। अब इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे सारी सामग्री को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हुआ है और डो के फॉर्म में हमने बना लिया है। मैं आपको लेके बता देती हूँ, देख सकते हो। अभी करेंगे मेन प्रोसेस। अब यहाँ पे डो को हमने चॉपर पे ले लिया हुआ है। अभी यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे अच्छी तरह से मसल लेना है। ज़्यादा नहीं मसलना है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मसलते जाना है, क्योंकि यहाँ पर हम शेप बनाने वाले एकदम ट्रायंगल जैसा। इसे इसे थोड़ा मैं इसको लंबा कर लेती हूँ चॉपर को। और हाँ दोस्तों, आपको यार यदि आपको ये शेप पसंद हो तो आप इसे भी कर सकते हो, या गोल शेप, जो मन चाहा शेप आप इसमें बना सकते हो दोस्तों। ये झटकी पट बन जाती है टिक्की, बच्चों को आप टिफिन में भी दे सकते हो, कहाँ पे घूमने जाना हो वन डे के लिए वहाँ पे भी आप इजीली लेके जा सकते हो। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अभी से ऐसे हल्के से ट्रायंगल शेप में कर लेते हैं और थोड़ा सा ही हाथों से ऐसे कर लेना है चिकना, यानी शेप अच्छी तरह से आ जाता है। इक्वल करना है, यहाँ पे मोटा यहाँ पे पतला ऐसे नहीं करना है। एक जैसे ही हमें एकदम अच्छी तरह से शेप देते जाना है और अच्छी तरह से इसे पॉलिश भी कर लेना है हाथों से ही। थोड़ा खरबड़ा लगा तो कोई बात नहीं, हाथों को थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं और अच्छी तरह से इसे चिकना भी कर लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा ट्रायंगल में कर लेती हूँ और हल्के हाथों से इसे दबा लेती हूँ। ये सेब बच्चों को बहुत ही पसंद आता है दोस्तों। यदि आपको ये करना नहीं पसंद हो तो कोई बात नहीं, आप इसकी गोल गोल टिक्की भी बना सकते हो, क्योंकि बच्चों को ऐसा कुछ नया देना, बच्चे खा लेते हैं और अपने को भी खुशी होती है यार बच्चे खा रहे। आजकल के बच्चे खाना मांगते ही नहीं, उनको भूखी ज़्यादा लगती नहीं, तो क्यों ना फिर एक नया ऐसे चटपटा बच्चों को दिया जाए और बच्चे भी खुश और हम भी खुश। अभी इसे मैंने ट्रायंगल शेप में बना लिया हुआ है, अभी करेंगे कट। अब यहाँ पर हम चक्कू ले लेते हैं और इसे कट करेंगे आधा आधा इंच की दूरी पर, जितना पतला मोटा कर सकते हो उतनी साइज से आप कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग आधा इंच की दूरी पे कट करेंगे। मैं आपको एक लेके बता देती हूँ, देख सकते हो कितना प्यारा सा ट्रायंगल शेप आ गया है और कैसे एकदम सिंपल तरीके से बनाया है हमने, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस तरीके से सारे ट्रायंगल शेप कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने सारी कटलेट कट भी कर ली और एक प्लेट में हमने निकाल भी लिया हुआ इस तरीके से। अभी इसके ऊपर की जो करारी कोटिंग होती है ना वो कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने ब्रेड स्क्रम लेना है, जो घर में ब्रेड बची होती है उसे मिक्सर के जार में निकाल लेना है, हल्के से तवे पे रोस्ट कर लेना है, इस तरीके से कुरकुरी बन जाती है। हाँ दोस्तों, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो। अभी यहाँ पे एक कटलेट ले लेते हैं, अभी इसके अंदर हमें हल्के से कोटिंग कर लेना है,
सिंपल तरीका है दोस्तों। रेसिपी आपको ये कैसी लगती तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है। देख सकते हो इजीली ये चिपक जाता है। मैं और एक क्लिक करके बता देती हूँ, इसे थोड़ा साइड कर लेना है और एक कटलेट ले लेती हूँ और इसे हल्के हल्के हाथों से हमें कोटिंग कर लेना है। एक जगह हमने ऑयल गर्म करने को भी रख लिया हुआ है, क्योंकि ये होने से ये तब तक होता है तब तक तेल भी गर्म हो जाता है, टाइम भी बच जाता है। तो सारे इस तरीके से कोटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, हमने चेक भी कर लिया हुआ है। अभी गर्म हो तो गया है, अभी इस स्टेज में हमें गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी रख लेनी है, क्योंकि ज़्यादा गर्म भी नीचे हो, ज़्यादा ठंडा भी ऑयल नीचे। अभी यहाँ पे हमने एक एक कटलेट डाल देना है इस तरीके से। हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो गए तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी इसे एक एक करके डाल देती हूँ। जैसे ही डाला तुरंत इसे टच नहीं करना है, थोड़े टाइम के बाद हम इसे टच करेंगे और उलट पुलट करेंगे। अभी दोनों चमचे की सहायता से हमें एक एक कटलेट को पलटी कर लेना है। हाँ दोस्तों, यदि हमारे घर में कोई मेहमान आ जाते हैं तो ऐसे लगता है नाश्ते में क्या बनाया जाए, तो घर में तो आलू पड़े ही होते हैं और कम सामग्री से झट से बनाया है हमने। आप मेहमानों को भी इजीली बना के खिला सकते हो। यदि सुबह की भागदौड़ होती है उसमें भी आप इजीली बच्चों को दे सकते हो नाश्ते में, और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब इसे और एक बार पलटी कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसे क्रिस्पी फ्राई करना है, नहीं तो क्या होता है सॉफ्ट कटलेट अच्छी नहीं लगती। थोड़ी कुरकुरीत होती ना कटलेट तभी अच्छी लगती है खाने में। देख सकते हैं इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया हुआ है, और एक बार इसे फ्राई कर लेते हैं एक मिनट के लिए। अब यहाँ पे हमारी कटलेट तैयार हो गई। अभी इसे हम निकाल लेते हैं, एक एक करके निकाल लेते हैं चमचे की सहायता से। देख रहे हो कलर कितना बढ़िया आ गया है। हाँ तो सही, ऑयल थोड़ा भी पिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर से ब्रेड की कोटिंग डाली है ना और आरोरो डाला है, तो इसे ऑयल पिएगा नहीं। तो इस तरीके से बाकी की जो सारी कटलेट बची है ना उससे भी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो देखा ना दोस्तों, हमने कैसे झटकी पट कम सामग्री से बना दिया है आलू की कटलेट। जैसे हम शादियों में जाते हैं वहां पे कितनी बढ़िया बनती है, तो हमें लगता घर पे भी क्यों ना बनाई जाए। एकदम मैं आपको लेके बता देती हूँ। देख रहे हो कितनी करारी आवाज, और ऑयल थोड़ा भी नहीं है, हल्का तो ऑयल है पर इतना ऑयल नहीं। कभी हम लोग कटलेट बनाते बहुत सारा ऑयल होता है, इसमें थोड़ा भी ऑयल नहीं है। मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ, बाहर से करारे अंदर से हल्के से सॉफ्ट है, रिजल्ट आपके सामने, यम्मी यम्मी। तो आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती तो कमेंट करके जरूर बताना है, और चैनल पे नए होगे तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद।